कर शांति से प्रोग्राम कर रहा है। यदि वो आरएसएस का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जमीन पर उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मिल ही नहीं रहे, हम तो ढूंढ रहे हैं, ये हैगा मुख्यमंत्री जी। राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहेगा, क्या जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका में दौरे करेंगे क्या? आरएसएस ने बनाई है बीजेपी की सरकार, पूरा इन्वेस्ट राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर कर दिया। अब मैं सबको कहता हूं, अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं, घटना और अपराध उसके खिलाफ सबको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। आज बताओ, सेंट्रल जेल से लोग धमकियां दे रहे हैं, वो बाबा सिद्दीक को मार दिया, वहां से एक्स मिनिस्टर है, नेता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर बचेगा कौन? चाहे जैसे कोई जेल से धमकी दे रहा है, कोई बाहर से धमकी दे रहा है, लैंड माफिया के जमीनों पर कब्जे करते हैं, वो लोग खुलेआम इनको आरएसएस वालों को चाकू मार गए, अरे इनको तो पता ही नहीं क्यों मारे। मैं जानता हूं इनको, उनके पिताजी को जानता हूं, घर के लोग हैं। चुनौती आप समझ, कानून व्यवस्था को लेकर मैं और मेरी पार्टी लगातार कह रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक भाषा से नहीं कह रहा, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी, और सरकार चलाने से चलती है। अपने आप तो राम भरोसे है, फिर आप राम भरोसे सरकार चलाना चाहो तो राम जी की तो कृपा सबके ऊपर है, लेकिन राम जी ने ये कहा है क्या? राम राज्य तब आता है जब आप ईमानदारी से अपना शासन करो। अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए, और वो डर पैदा करने के लिए आरएसएस वालों की चोट लगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और वैसे तो इनके एमएलए सारे खड़े हो जाते हैं मैदान में, अभी यही मामला कोई मुसलमान कर देता झगड़ा हो जाता तो फिर देखो ये पूरे जयपुर की सड़कें सरकार ही काम कर देती। अब करो महाराज, हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी अपराधी होता है। अभी वो वहां पे वो बेचारे उसकी उसे दिनेश स्वामी के लगते सारे एमएलए पहुंच गए वहां, और हंगामा करके टका दिया नहीं, उसको एक रुपया नहीं दिया उसके परिवार को, दिनेश स्वामी के परिवार। अब कहां है वो? जयपुर की सड़कों पर माहौल बिगाड़ना है क्या, या कानून व्यवस्था को ठीक करनी है? बीजेपी के लोगों से कानून व्यवस्था ठीक करो, जयपुर का बेटा हूं मैं, मेरी जिम्मेदारी है। आरएसएस के वाले के चोट लगेगी तो भी संभालेंगे, बीजेपी वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे, कांग्रेस वाले की लगेगी तो भी संभालेंगे। अपराधी कोई भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू से कह रही है कि ये अपराधी रुकने चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कांग्रेस की।